तो समोसे का डफ बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून अजवाइन या फिर काला जीरा अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, 1 कप हमने आटा लिया है और स्वाद अनुसार नमक। ये पहले डफ बना लेते हैं। 2 कप मैदा, उसमें हम लोग डाल रहे हैं 1 कप आटा, 3/4 स्पून नमक, अजवाइन 1/4 टीस्पून। तो इसको थोड़ा सा खास्ता बनाने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून तेल। इसको भी हम लोग अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा मॉइस्ट लग रहा है, तो इसको जब हम ऐसे हाथ में पकड़ेंगे तो ये शेप आएगा, तो इसका मतलब पता चल सकता है कि आप ये ठीक बना है। तो इसमें हम लोग आसपास 3/4 कप पानी डालेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सौंफ चाहिए हमें 1/2 चम्मच, जीरा चाहिए हमें 1/2 चम्मच, राई यानी कि मस्टर्ड सीड वो भी चाहिए हमको 1/2 चम्मच, और 1 पिंच हींग, 15 से 20 हमको ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड नट्स या फिर बादाम चाहिए, 1 स्पून हमें चॉप्ड अदरक चाहिए, 2 स्पून हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, 1 कटोरी हमें ग्रीन मटर चाहिए और थोड़ा सा हमें गाजर कटा हुआ चाहिए, 4 से 5 आलू चाहिए, उसको मैंने बॉईल करके स्मैश कर लिया है, और नमक स्वाद अनुसार चाहिए। तो हमने लो फ्लेम पे कढ़ाई बिठा लिया है, उसमें हम लोग 4 से 5 स्पून तेल डालेंगे। तेल अभी गर्म हो चुका है तो इसमें हम लोग चलिए स्पाइसेस डालते हैं। तो 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून फेनल सीड्स सौंफ और 1/2 स्पून हम राई, 15 से 20 मूंगफली या फिर बादाम, 2 चम्मच ग्रीन चिली और 1 चम्मच अदरक हमने जो लिया था छोटा छोटा कटा हुआ। तो इसको 2 मिनट हमने फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन मटर, 1/2 स्पून नमक डाल के इसको थोड़ा सा 5 मिनट लो आंच पे पका लेंगे। तो अभी 5 मिनट हो चुका है, गाजर और मटर अच्छे से पक चुके हैं। इसमें हम लोग अभी बॉइल्ड पोटैटोज डालेंगे, डाल के इसको अभी अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको अभी मिक्स करने के बाद चलिए देख लेते हैं इसमें अभी क्या क्या मसाला डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए हमको 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमको जीरा पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए, 1/2 टेबलस्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए और 2 टेबलस्पून हमें धनिया पाउडर चाहिए और नमक स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर फिर 1/2 चम्मच हम लोग नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट स्लो आंच पे पका लेंगे। मसाले से अभी खुशबू आने लग गया है, इसका मतलब मसाला अभी अच्छे से पक चुका है। तो अभी हमारा समोसे का मसाला अभी बन चुका है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज करके गोल कर लेंगे। तो इसमें हम लोग तेल डाल के बेलेंगे, तो स्लोली इसको हम लोग ओवल साइज में बेलेंगे। इसको हम लोग बीच में से काट लेंगे। तो पहले एक को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक साइड को थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और दूसरे साइड को ऐसे उसके ऊपर फोल्ड करके ये लास्ट को थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे। तो इसमें अभी हम लोग हमारा स्टफिंग डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा सा साइड्स में पानी लगा लेंगे, बस थोड़ा सा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, उसके बाद बीच वाले को भी दबा लेंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ से इसको पूरा सील करना है। तो ये बन गया है हमारा समोसा। तो हाई फ्लेम पे हमने पहले तेल गरम कर दिया कढ़ाई का, तो इसको अभी हम लोग लो फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हमने जो समोसे बनाए हैं उसको धीरे धीरे करके डालेंगे। इसको हम लोग पहले
2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। एक साइड रोस्ट होने के बाद फिर उसको हम लोग पलटाएंगे। इसको हम लोग 7 से 10 मिनट तक लो आंच में ही पकाएंगे।